अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जी। तो यहाँ पे हम लोग आपको आज काजल लुक सिखा रहे हैं और प्रेप एंड प्राइम किया जा रहा है, मॉइस्चराइज किया है निविया से, और उसके बाद जो है वो प्राइमर लगाएंगे एस्टी लंदन का, और स्प्रे हो चुका हुआ है इसको। आपने स्किन को अच्छे से जो है वो मॉइस्चराइज करना है, प्रेप एंड प्राइम करना है, उसके बाद ही आप अपने फेस पे कुछ भी फाउंडेशंस या कुछ भी आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने फाउंडेशन इनके स्किन टोन के मुताबिक हमने अप्लाई कर दी हुई है। इनकी आईब्रोज बिल्कुल नहीं बनी हुई हैं, आगे जाके देखिएगा हम इनकी आईब्रोज को कैसे क्रिएट करते हैं। और आईज़ की आईब्रोज बहुत मेन पार्ट है। आप अगर नॉर्मली भी घर पर रेडी होते हैं तो आप अपनी, अगर आईब्रोज आपकी बनी होती है तो आपका फेस बहुत नीट लगता है। और साथ में ये कि आप अपनी आईब्रो को अच्छे से शेप करके रखा करें। शेप करने के बाद जो है वो आपकी आईज़ जो हैं वो बहुत खूबसूरत लगती हैं। बहुत ज़्यादा आपने आई मेकअप ना भी किया हो तो तब भी आप अपनी आईब्रोज जो है वो लाजमी मेनटेन रखा करें, तो इससे जो है वो नीटनेस आती है। अच्छा जी, यहाँ पे इनका फेस जो है वो नीचे से थोड़ा पतला है और ये जो पार्ट है इनका यहाँ से थोड़ा चौड़ा है, तो हम इक्वल करेंगे इसको। जो भी आपका फेस शेप हो उसको जो है ओवल शेप में लेके आना होता है, सो दैट हम इसको जो है वो इक्वल कर रहे हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा डार्क दिया ताकि वो शेड की वजह से आपको प्रॉपर जो है वो शेप निकल आए फेस की, ठीक है। हम पिंक सा शेड दे रहे हैं इनको चीक पे और मर्ज कर रहे हैं अपनी कॉन्ट्रोल के साथ। बहुत ही सिंपल लुक है ये, बट काजल लुक जो है वो आजकल बहुत इन है। ये नहीं कह सकते कि आजकल इन है, ये कभी इसका रिवाज जाता ही नहीं है, ये हमेशा इन ही रहती है। तो काजल के साथ जो है वो आईज खूबसूरत भी बहुत लगती हैं। यहाँ पे हमने इनको ब्लशन दे दिया, ये थोड़ा सा डार्क हो गया बट हम इसको नेक्स्ट आप जब देखेंगे तो मैं ये लाइट कर देती हूँ। सिंपल पफ के साथ उसको जो है वो आप मर्ज भी कर दीजिए और लाइटन भी कर दीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे जो मैं आपको बात रही थी, इनकी आईब्रोज शेप नहीं थी क्योंकि उन्होंने अभी बनाई नहीं है, तो यहाँ पे मैं इनके ब्रोज को प्रॉपर शेप्ड अप कर रही हूँ ताकि आईज़ की जो शेप है और आईज़ जो है वो मज़ीद खूबसूरत लगे। तो उसके लिए जो है वो आपको यहाँ पे अपने आईब्रोज को अच्छे से शेप्ड अप करना है। ये जो पार्ट है यहाँ पे आपने शेप देनी है और फ्रंट जो होता है वहाँ से आपने लाइटन रखना है, बैक साइड जो डार्क कर करेंगे। आप देख सकते हैं पहले जो मैंने यूज़ किया था, जैसे पहले इनकी शेप थी आपने देखा होगा कि कैसे थी, और अभी जो है मैंने इसको शेप किया है तो एक प्रॉपर शेप जो है वो आपके सामने ऊपर के सामने आ गई हुई है। तो हालाँकि इन्होंने प्लक नहीं किए हुए अपने, ये कि अब ये प्रॉपर शेप में लग रही है। यहां पे हम देंगे एक ब्राउन सा शेड और इसके साथ हम मर्ज करेंगे। ब्राउन शेप में आपने करना है आउटर कॉर्नर टू इनर कॉर्नर वन शेड लाइटर, अच्छे से शेप दीजिए और इसको ब्लेंड कीजिए। बिल्कुल हार्श लाइन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मर्ज हुआ हुआ होना चाहिए। इनर कॉर्नर टू आउटर कॉर्नर आपने जो है वो सर्कुलर मोशन में अपने ब्रश को यूज़ करना है, और ताकि और बहुत लाइट हैंडेडली पीछे से पकड़ा करें ब्रश को और बहुत लाइट हैंडेडली आपने है वो स्प्रेड करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे हम बिल्कुल लाइट सा एक शेड जो है वो अपने आईलेट पे दे रहे हैं, लाइट स्किन सा शेड है ये, वो हम देंगे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं कर रहे हैं, बहुत हैवी लुक नहीं है ये
काजल लुक है, सो आप इसको पार्टी मेकअप में भी ले सकते हैं, और जो लड़कियां बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हैं उनके लिए भी ये लुक बेस्ट रहेगी। यहाँ पे जो लिड है, यहाँ पे मैं एक गोल्ड स्किन सा कलर में दे दूँगी और देन फिर काजल पे वर्क होना शुरू हो जाएगा। ये हुदा ब्यूटी का काजल है और हम पहले एक बारीक सी लाइन जो है वो आपके जो आईलैश होती है वहाँ पे हम एक सीधी सी लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम इसको आउटर कॉर्नर से विंग हल्का सा बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा, और हम आईज़ के नीचे और ऊपर एग्जैक्ट एक जैसा ही काम करेंगे। यहाँ पे नीचे भी आपने काजल देना है, ठीक है, और ऊपर भी, यानी ये जो आपकी आईलैश की जो लाइन होती है ना उसको आपने पहले फिल करना है अच्छे से। लोअर लैश को जब आप फिल कर लीजिए और हल्का सा यहाँ से विंग दीजिए, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा, ताकि आपकी जो आईज है वो शेप्ड लगे। काजल लुक सबकी अच्छी लगती है, अल्लाह ताला ने आईज जिसकी भी जैसी भी बनाई हैं बेशक बेहतरीन बनाई हैं, तो काजल लुक सभी के सूट करती है। यहाँ पे हम एक ब्राउन शेड लेंगे, डार्क ब्राउन, ठीक है, उसके साथ हम इसको मर्ज कर देंगे उस लाइन को, बिल्कुल जो है वो एक लाइन नहीं लगनी चाहिए, मर्ज हुई हुई स्मोक्ड लाइन जो होती है ना उस तरीके से आपने इसको बनाना है। नाउ हियर यू कैन सी कि ये काजल लुक रेडी हो चुकी है। जो लैश है उसके ऊपर मस्कारा लग चुका है और यहाँ पे हम लोग मस्कारा लगा रहे हैं लोअर लैश पे, अपर लैश पे लग चुका है। ये बहुत ही इजी मेकअप है और आई होप कि मैं जिस तरह से आपको समझा रही हूँ आपको प्रॉपरली समझ में आ रहा है। और मस्कारा जब लग जाएगा उसके बाद यहाँ पे हाथ रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप प्रॉपरली इसको विंग्ड कर सकें लैश को ना। यहाँ पे हम हल्का सा देंगे शाइनर, ये एसटी लंदन का है, बहुत अच्छा ये हाइलाइटर है, ज़रूर यूज़ करके देखिए, मेरा मोस्ट फेवरेट है। और लिप, अपर लिप पे भी, चिन पे भी, नोज़ पे भी, चीक पे भी और फोरहेड पे भी। यहाँ पे हम बहुत ही न्यूड सा शेड एक दे रहे हैं, पिंकिश में रोज वुड सा शेड है, दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट शेड, बहुत क्यूट लगता है लिप्स पे। और हम उसको प्रॉपर शेप कर रहे हैं इनके लिप को, लिप इनके थोड़े से थिन है, तो शेप देने के बाद देखें यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं लग रहा बट हर एक चीज़ यूज़ हुई है, बट ये कि बहुत आपको हैवी लुक नहीं मिल रही है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने अपने फेस को सेट किया, जैसे ही आप ये लगाएंगे फेस स्प्रे लगाएंगे एक बहुत ही अच्छी सी शाइन आपके फेस पे आ जाती है, एज यू कैन सी दैट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब विद बेल आइकन, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।